इससे पहले कि मैं अपनी खबर की शुरुआत करूं और आपको ये बताऊं कि एक फर्ज जारी करवाने के लिए कितने पैसे जो है वो रिश्वत के तौर पर मांगे जा रहे थे, एक स्टेटमेंट है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का 24 अक्टूबर 2021 का, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कंग्रेचुलेट किया था रेवेन्यू विभाग को कि उन्होंने गवर्नेंस सिस्टम को ट्रूली ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बना दिया है यूनियन टेरिटरी में, और साथ ही में उन्होंने ये बताया था कि अब कोई मैनिपुलेशन सिस्टम की नहीं होगी और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो सब रजिस्ट्रार के दफ्तरों में और तहसील के दफ्तरों में लोगों को मिला करेगी वो एग्जेम्पलरी हो चुकी है। इसके अलावा भी अगर आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू विभाग को लेकर जब लोग इल्जाम लगाते थे कि यहाँ पर रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स अगर हमें चाहिए होते हैं तो उसके लिए हमें इतनी ब्राइब जो है वो पे करनी पड़ती है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है बार बार स्टेटमेंट देके कहा कि जम्मू कश्मीर से करप्शन का खात्मा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, अब जम्मू कश्मीर में जो है करप्शन किसी विभाग में देखने को नहीं मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी हर विभाग में आ जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि लोगों को किसी भी विभाग में कोई काम अगर करवाने के लिए जाना है तो किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज की खबर है एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक नायब तहसीलदार को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किया है फर्ज जारी करने के लिए रिश्वत मांगने के जुर्म में। मामला ये बना कि एक व्यक्ति जिसे अपने 1 करार 19 मरले की जमीन का फर्ज इशू करवाना था, जो जमीन उनकी पत्नी के नाम पर थी, उसे इशू करवाने के लिए वो नायब तहसीलदार के पास गए और साथ ही में पटवारी के पास गए, तो उन्हें ये कहा गया कि जब तक आप 25 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर नहीं देते, कंप्लेनेंट ने एंटी करप्शन ब्यूरो को बताया कि जब तक आप 25 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर नहीं देते तब तक आपको फर्द जारी नहीं किया जाएगा। यहां तक की सरप्राइजिंग बात यह है कि जब वो पटवारी और वो नायब तहसीलदार ट्रांसफर भी हो गए किसी और इलाके में, उसके बावजूद भी कंप्लेनेंट को फर्द की सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप पर भेजकर उन्होंने कहा कि ओरिजिनल हमारे पास है, आप रिश्वत की अमाउंट दे दें, उसके बाद ही आपको ये फर्द जारी होगा। मामला ये बड़ा कि एक व्यक्ति जो कि जिनकी जमीन सुंगल मोड़ अखनूर में है, वो पटवारी हल्का अखनूर खास के पास गए, उन्होंने कहा कि हमें एक फर्द की जरूरत है। उस समय पटवारी हल्का जो है रविंदर भगत थे। इल्जाम ये लगा कि एप्लीकेशन फाइल करने के बाद पटवारी रविंदर भगत ने और नायब तहसीलदार अशोक शर्मा ने, जो उस समय उस इलाके में पोस्टेड थे, उन्होंने अपने एक आदमी को रमन गुप्ता को कंप्लेनेंट के पास भेजा और ये कहा कि आप 30 लाख रुपए जो है वो पहले जमा कराएं। 30 लाख रुपए की जब मांग की गई तो जाहिर सी बात है कंप्लेनेंट भी जो है जिस व्यक्ति का फर्द इशू करवाना था वो भी कोशिश करता है कि थोड़ा भाव कम हो जाए, अगर 30 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं कम पैसे देकर जो है वो काम हो जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, 30 लाख तो मैं नहीं दे पाऊंगा, 25 लाख तक अगर आप मान जाते तो 25 लाख में आप फर्द जारी कर दें। उसके बाद पटवारी और नायब तहसीलदार दोनों ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर होने के बावजूद भी वो 25 लाख रुपए जो है डिमांड करते रहे। उन्होंने एक फर्द की सॉफ्ट कॉपी जो है व्हाट्सएप पर किसी एक चीकू गुप्ता को जो है व्हाट्सएप पर भेजी, चीकू गुप्ता ने आगे इस व्यक्ति को भेजी और ये कहा कि ओरिजिनल फर्द की कॉपी जो है रमन गुप्ता के पास है, जो रमन गुप्ता मैंने आपको बताया कि कहा गया है नायब तहसीलदार का ही आदमी था जो ये सारी डील जो है वो अरेंज करा रहा था, मैनेज करा रहा था, उसको भेजी ताकि ये पता चल जाए जिस व्यक्ति की जमीन थी कि फर्द ओरिजिनल हमारे पास है, आप नए तहसीलदार के पास भी जाएंगे या नए नायब तहसीलदार के पास भी जाएंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, ओरिजिनल फर्द की कॉपी हमारे पास है, पैसे देंगे तो आपको फर्द मिलेगा। ये कहा कि अशोक शर्मा ने कंप्लेनेंट को फर्द देने से मना कर दिया जब तक वो 25 लाख रुपए भरते नहीं। नायब तहसीलदार ने ये कहा कि आप पार्ट्स में, यानी कि 25 लाख रुपए एक बड़ी अमाउंट होती है, एक साथ पे करना मुश्किल हो जाता है और साथ ही में जहां पर बात आती है रिश्वत की तो पैसों को छुपाना भी जो है उतना ही जरूरी हो जाता है और एक साथ 25 लाख छुपाने में भी दिक्कत आती है, तो ये कहा कि आप पार्ट्स में 1-1 लाख करके, 2-2 लाख करके, 5-5 लाख करके जो है अमाउंट दे दें, लेकिन फर्द तभी मिलेगा जब 25 लाख रुपए पूरे जो है वो पहुंच जाएंगे। कंप्लेनेंट ने इसके चलते नायब तहसीलदार ने कहा कि पहले आप 1,50,000 रुपए लेकर आए। उसके बाद कंप्लेनेंट ने सोचा कि अब इतने पैसे मुझसे मांगे जा रहे हैं एक फर्द के लिए, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जो है वो कंप्लेनेंट चला गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की और जाहिर सी बात है वो की जाती है, उसके बाद एक FIR दर्ज कर दी पुलिस स्टेशन ACB सेंट्रल में अंडर सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ट्रैप टीम ले डाउन की गई, जिस ट्रैप टीम ने सक्सेसफुल ट्रैप ले डाउन करके अक्यूज अशोक कुमार थे नायब तहसीलदार जो इस समय घरोटा में पोस्टेड थे, उन्हें रंगे हाथों पकड़ा,
1,50,000 रुपए कंप्लेनेंट से लेते हुए ऑन द स्पॉट एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। ब्राइब मनी उसके बाद जो रमन गुप्ता जिसको लेकर यह बताया जा रहा था कि वही नायब तहसीलदार का आदमी था जो ये पूरी डील मैनेज करवा रहा था, तो जाहिर सी बात है उसके घर पर भी छापेमारी हुई और उसके अलावा जो जो लोग भी इन्वॉल्व थे इस पूरे मामले में उन सभी के घरों पर छापेमारी हुई। तो मालूम ये चला कि रमन गुप्ता के घर से 9,00,000 रुपए सीज किए एंटी करप्शन ब्यूरो ने और आगे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब आम व्यक्ति जब ये इल्जाम लगाते हैं रेवेन्यू विभाग के ऊपर कि फर्द जारी करवाने के लिए, ततीमे के लिए या बाकी रेवेन्यू के जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जारी करवाने के लिए रेवेन्यू ऑफिशियल्स पैसों की डिमांड करते हैं, ब्राइब की डिमांड करते हैं, और जमीन का मामला भी इस तरीके का है कि लोग जो जानते हैं कि हमारी जमीन की कीमत इतनी है वो अपनी जमीन के ही पोजेशन के लिए पैसे देने पर मजबूर हो जाते हैं ताकि कोई मसला ना बन जाए। वैसे भी कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग है जिन केसेस में इसी तरीके से जमीनों के झगड़े हैं या फिर लैंड माफिया कहीं पर इंट्रूड कर चुका है, जिस व्यक्ति के पास जमीन के डॉक्यूमेंट्स है भी उस जमीन पर भी कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है। और इन सभी मामलों में फिर लोग सोचते हैं कि अब हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ अगर कोई आनाकानी की तो हो सकता है ये हमारे डॉक्यूमेंट्स इधर के उधर कर दें, हो सकता है ये हमारी ही जमीन के पोजेशन लाने में दिक्कतें खड़ी कर दें। और कई बार तो इल्जाम ये भी लगे हैं कि रेवेन्यू विभाग के ही ऑफिशियल्स पैसे लेकर जो है लैंड माफिया के साथ मिल जाते हैं और आम व्यक्ति जो है वो कोर्ट के चक्कर लगाता रह जाता है अपने मामले की सुनवाई के लिए। लेकिन सवाल यहां पर ये, अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कह दिया, रेवेन्यू विभाग को कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया कि आपने पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाई है और ट्रांसपेरेंसी इस हद तक लाई है कि अब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्होंने वाहवाही कर दी डिपार्टमेंट की कि आपने इस तरीके का सिस्टम बना दिया, इतना बेहतरीन गवर्नेंस का सिस्टम बना दिया कि लोगों को परेशान होने की जरूरत ही नहीं। सही बात है कि कुछ कदम उठाए गए हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन अगर ऑनलाइन की गई है या फिर अगर आपको लैंड पासबुक जारी की गई है, कुछ प्रोग्रेसिव कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन जो कोर इश्यूज लोगों को आ रहे हैं रेवेन्यू विभाग से परेशानी के वो यही है, करप्शन के वो यही है, अब्यूज ऑफ पावर के वो यही है कि अपने ही जमीन का डॉक्यूमेंट जारी करवाने के लिए आखिर एक आम आदमी को पैसा देना क्यों पड़े। और पैसा भी कम नहीं, 25,00,000 रुपए की डिमांड की जा रही थी उन ऑफिसरों के द्वारा भी जो वहां से ट्रांसफर हो चुके थे। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई कमी पेशी जो है वो जरूर रह गई है जिसके नतीजे में अभी भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। एक व्यक्ति ने तो ये हिम्मत की कि वो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास चला गया और एंटी करप्शन ब्यूरो ने फौरन इस मामले में एक्शन लिया और नायब तहसीलदार को गिरफ्तार किया। लेकिन वहीं ऐसे कितने मामले होते होंगे जहां पर लोग जो है वो ऐसे ही पैसे देने पर मजबूर हो जाते हैं और रिश्वत दिए बगैर उन्हें अपनी जमीन के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाते।